ये है पुल 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 पुल, और हम इसको भाग के पार करेंगे ऐसे डग डग डग। What's up everybody? मेरा नाम है यश गौर। तो मैं हूँ, मेरी आवाज़ बैठ गई है क्यों बताता हूँ। मैं हूँ हरियाणा में हिसार गांव, हिसार एक शहर है, उसके अंदर एक छोटा सा गांव है, इसका नाम है काजला धाम। ये हनुमान जी का मंदिर है जो बहुत मनोकामना पूरी करने वाला है, और मैं यहाँ पर अकेला पैदल जा रहा हूँ। हम 15 दिनों के लिए मैं यहाँ पर स्टे करने वाला हूँ। 15 दिनों के लिए मैं आया था परसों रात को, कल बहुत थका हुआ था तो कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। आज सोचा कि क्यों ना निकला जाए, तो मैं जा रहा हूँ एक जगह जहाँ पर नाम मैं भूल गया, मैं वापस अभी देखूँगा, चेक करता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ और ना कोई बस अभी तक, ना कुछ और, बस दूर दूर तक यहाँ पे खेत, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक खेत ही खेत। और अभी अभी मैं बाहर निकला हूँ और मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना कोई ऑटो ना कोई बस, अभी तक तो कुछ भी नहीं। लेकिन पीछे एक बस आ रही है, तुम देख सकते हो, तो शायद वो मुझे वहाँ छोड़ दे। तो लेट्स सी, देखो क्या होता है। तो अभी मैं बस में आ चुका हूँ और 5 रुपये का टिकट, सिर्फ 5 रुपये का, लेकिन ये मुझे प्रॉपर नहीं छोड़ेगी रास्ते में, जहाँ पे भी जो भी मुझे पास में जो भी स्टेशन पड़ेगा ये वहाँ पे मुझे छोड़ेगी। वहाँ से मुझे या तो ऑटो लेना पड़ेगा या फिर कोई बस या फिर जो भी साधन होगा। तो फर्स्ट टाइम है मेरा, मैंने ना तो किसी से पूछा ना कुछ, और बस निकल तो बताया कीड़े बस तो हूँ। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, निकल चुका हूँ, मतलब मैं बस में हूँ अभी, हरियाणा की बस में। तो यहाँ से निकलते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। तो मुझे बस ने यहाँ हाईवे पे छोड़ दिया है, ये है हाईवे और मुझे जाना है यहाँ पे, और मैं जा रहा हूँ अग्रवा धाम जो अग्रवालों ने बनाया है। तो वहाँ पर देखने को क्या क्या है, मैंने सुना है कि बहुत अच्छी अच्छी जगह है, इसलिए मैं वहाँ के लिए जा रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ कि मैं 15 दिनों के लिए हरियाणा आया हूँ। हरियाणा में हिसार एक शहर है, उसमें भी एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर वहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ खेत ही खेत, जंगल नहीं है खेत है, और जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक खेत। और यहाँ पर दिन में बहुत गर्मी हो जाती है, इसीलिए मेरे बाल पसीनों के कारण बहुत अजीब और फेस बहुत अजीब हो, और रात को यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है, रात को सर्दी और दिन में गर्मी, यहाँ पे ये सीन है। तो अभी मैं वहाँ से यहाँ तक तो आ गया, ये है पुलिया, यहाँ पर मुझे शायद कोई गाड़ी मिले, वो देखो वहाँ लिखा हुआ है अग्रवा धाम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो लिखा हुआ अग्रवा धाम जो है 10 किलोमीटर। तो मुझे यहाँ से ही जाना है, अगर कोई बस मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना मैं किसी से लिफ्ट ले लूँगा। तो मैंने काका से लिफ्ट ली है, काका से लिफ्ट मेरे साथ है काका। तो मैंने काका से लिफ्ट ली है, ये मेरे को 4 किलोमीटर तक तो छोड़ देंगे, आगे ऑटो ही दिलवा देंगे मेरे को। फाइनली मैं पहुंच गया यहाँ पर अग्रवा धाम। मेरी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मेरी आवाज़ बैठ चुकी है क्योंकि इतनी गर्मी में पसीने में बहुत पानी पिया, इसीलिए 2 दिन से यही चल रहा है। और मैं पहुँच गया हूँ अग्रवा धाम, ये है अग्रवा धाम, अंदर जाके दिखाता हूँ मैं तुम्हें सीन। तो ये है अग्रवा धाम अग्रवालों का, जो ये राजा थे इनका, ये बना हुआ है, चलते अंदर। यहाँ की गेट, तो ये अंदर से अग्रवा धाम, ये तुम देख सकते हो यहाँ पे गार्डन, गार्डन के बाद ये मंदिर है, मंदिर के अंदर यहाँ पे ऊपर 2 गुम्बद है जहाँ पर गुफा है, और वहाँ पर वो देखो हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति जो है 108 फिट 108, ये 108 फिट की हनुमान जी की मूर्ति, और ये पूरा गार्डन, और ये बोल रहे कि पीछे सरोवर है, तो हम जाके देखते हैं, तो चलते हैं, चलो। तो हम जा रहे हैं अंदर अभी मंदिर में, मंदिर जा, ये छोटी छोटी
बहुत प्यारी जगह लग रही है अभी तक तो मुझे, है ही प्यारी तो लगेगी भी ना यार। तो हम आ गए अंदर मंदिर में। चलो बालों पे ध्यान मत देना, बहुत बिगड़ रहे पसीनों की वजह से, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, इसीलिए गीला हो गया हूँ मैं पूरा। ये जो बैग है ना, बैग के पीछे पूरा गीला लग रहा है इसकी वजह से, बैग की वजह से। ये देखो तुम यहाँ का सीन यार। तो ये है मंदिर, ये लक्ष्मी माता का मंदिर है। कुल देवी माता महालक्ष्मी शक्ति की मंदिर। और ये है यहाँ से बाहर से सीन। और ये जो है पूरा चांदी का है, ये और ये चांदी का है। ठीक है, कांच लगा हुआ है तो इसलिए फ्लैश की वजह से दिख नहीं रहा ये मंदिर। में यहाँ से आया अभी, यहाँ से जाना है मुझे बाहर, बाहर की तरफ और भी चीज़ें हैं तो मैं वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मैं चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये जो है ना, ये कुछ करता है, मैं इसका कॉइन लेकर आता हूँ और देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे लाइट चल गई कॉइन डालने से। यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा जो बहुत मस्ती कर रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से मुझे बाहर जाना है, लेकिन बाहर नहीं जाना मुझे, पहले मैं आपको एक स्पेशल जगह दिखाता हूँ। यह है गुफा जब अंदर जाने वाला हूँ, तो देखते रहो, ये खुला हुआ नहीं है, तो चलो चलते हैं। तो ये ऐसी गुफा है, अगर ये पूरी बंद होती ना तो और भी ज्यादा मजा आता सच में। ये खिड़कियां जो दे रखी ना, ये इनकी वजह से मामला बिगड़ा हुआ है, बाकी तो अंधेरा 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 कितना सही हो यार। ओके, यहाँ लिखा हुआ है आप कैमरे की नजर में। हाँ हमें पता है हम कैमरे की नजर में, हैं। ये देखो ये बंद 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 बंद, वाह। ओके, अरे हाँ मैं एक चीज बताना भूल गया, अब याद आया, आप बताता हूँ। ये टीका उन्होंने लगाया है, ये वाला लाल वाला ऊपर वाला। तिरुपति बालाजी जाने की तैयारी हो रही है, ये गुफा तिरुपति बालाजी लेके जाती है हमें। तो ये है तिरुपति बालाजी यहाँ के, वाह क्या सही है। ऐसे 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 एंजल में तो ये सोने का नहीं है। बेटा खा जाएगा शेर। ये है शेर, इसके नीचे से जाना पड़ेगा अंदर। नकली है क्या? क्या नकली है? ये नकली है, नकली भी खा जाता है कभी कभी। अहो यहाँ से ओके, तो हम फाइनली थोड़ा सा बाहर आ चुके हैं, लेकिन मेरे हाइट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा छोटा है। और हम आ चुके हैं यहाँ पे, ये सीन है यहाँ से। ओके ओके, ये है पुल 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 पुल, और हम इसको भाग के पार करेंगे ऐसे। डग डग डग, फाइनली मैं तो भाग कर आ गया ऐसे, और ये लकड़ी टूट जाए तो बेचारा कोई भी हो तो वो गिर जाए नीचे करते करते। मुझे जाना है यहाँ से नीचे, ये है यहाँ से गुफा नीचे जाने का, और फाइनली नीचे आ गया। तो
पास में ही है और निकलने की वो है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ का कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो कितना अच्छा इन्होंने वो बना रखा है और यहाँ पे भी बन रहा है, ऊपर का बना हुआ है यहाँ पे देखो। और ये सारे साउथ के लग रहे हैं, साउथ जैसा इन्होंने, साउथ जैसी पेंटिंग करी हुई है, साउथ जैसा सब कुछ। और बहुत प्यारा मंदिर है और यहाँ पे हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो मैं तुम्हें यहाँ से पहले आसपास का व्यू दिखाऊंगा, उसके बाद में आगे की बात करते। तो मैं आया था वहाँ से अंदर, ऊपर कैसे आ गया तुमने देखा, गुफा से ये राजा साथ ही में। एक और चीज़, हम वहाँ पर जाएंगे, सच में मुझे जाना है वहाँ पे, सच में मुझे वहाँ पर, मुझे तो जाना है। तो अब मुझे जाना है वहाँ और मैं जा रहा हूँ ये बड़ा मैदान। तो चलो हम चलते हैं वहाँ पर, उसके बाद तैयारी आगे की आगे ही करेंगे। तो चलो चलते हैं, चलो चलो चलो। पता लगाना है यहाँ जाने के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा मेरे पास में, लेकिन कहाँ से पता नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि यहाँ का कोई रास्ता है ही नहीं, ये बंद हो रखा है। तो चलो हम यहीं से देख लेते हैं। ये है हनुमान जी जो 108 फीट के हैं, 108 फीट के हनुमान जी, सिक्स पैक भी है हनुमान जी के, सिक्स पैक ऐसे मुझे बनाने। तो घूम लिए हम, अब जो है मुझे भूख लग रही है, तो सबसे पहले मैं तो कोई खाने की जगह ढूंढता हूँ, फिर वहाँ पर कुछ खाने का सोचता हूँ। तो चलते बाहर, चलो चलो चलो। तो फाइनली इस गर्मी में मैं अभी यहाँ पे आके बैठा हूँ, कोई रेस्टोरेंट है नाम मुझे पता नहीं और ना अब मेरा सर दर्द होने लग गया है, बहुत गर्मी लग रही है। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से बाहर, बाहर जाने के बाद में जो भी ये जाने का साधन है वो साधन पकड़ता हूँ, जाता हूँ। देन अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें क्या करना तुम्हें पता है, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर तुम नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और अगर तुम इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पर नई नई वीडियोज़ की स्टोरी डालता रहता हूँ, अच्छी अच्छी फोटोज डालता रहता हूँ, तो तुम चेक कर सकते हो। ओके बाय, तो आज के लिए तो राम राम, ओके बाय।